सरकार में आने के पहले कांग्रेस के द्वारा घोषणा की गई थी, और ये मालूम था कि सरकार में आना नहीं है, ये सरकार एक्सीडेंट की सरकार है, धोखे की सरकार है, झूठ की बुनियाद पर ये सरकार खड़ी है। इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री इस सच्चाई को कबूल रहे हैं। आज सारे ऑफिस सुने पड़े हुए हैं, लगातार अधिकारी कर्मचारी सब धरने में बैठे हुए हैं, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, नियमित कर्मचारी हो, और उसका प्रमुख कारण है सरकार का वादा खिलाफी। वादा खिलाफी को भूपेश बघेल को स्वीकार करना चाहिए। आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, 14 महीने सरकार की बची हुई है, नवंबर में 4 साल पूरे हो जाएंगे, 1 साल बचेंगे। अब धैर्य का सीमा सबका टूट रहा है, और ऐसे समय में लोग मांग कर रहे हैं इस सरकार के जो असली चेहरा है उजागर होने लगी है, कि बड़े बड़े वादे करने के बाद में आज वादा खिलाफी में सरकार उतर आई है। कर्मचारियों की मांग के साथ है, कर्मचारियों के मांग का हम समर्थन करते हैं, और निश्चित रूप से जो वादा भूपेश बघेल ने किया है उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, आज मुख्यमंत्री के रूप में उस वादे को निभाने की जरूरत है।